इतनी खुशली हो रही है वो एकदम से इतनी इरिटेटिंग सी खुशली है। ब्लैक पिंक की लीजा हमेशा अपने स्टाइल, अपने गाने और लुई विटॉन के सीईओ एर्नोल्ड फ्रेडरिक को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन इस बार चर्चा का विषय है इनका ये टैटू जिस पे लिखा है लाउड, जो ये लाउडली बता रहा है कि ये टैटू नहीं बल्कि अनाउंसमेंट है उनके नए प्लान का। दरअसल लीजा का ये टैटू स्पॉट किया गया 14 मार्च को व्हेन लीजा अटेंडेड द बेवेलग्री स्टूडियो इवेंट इन सोल। एज एक्सपेक्टेड द आइडल लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ लिटिल ब्लैक ड्रेस शोकेसिंग हर विजुअल्स बट आल्सो अनरियल प्रोपोर्शंस। वहां पर नेटिजन्स ने लीजा का ये नया टैटू उनके पैर पर देखा, पर अब सवाल ये कि टैटू किस चीज का है अब भी नहीं समझे। दरअसल ये लीजा की नई कंपनी का नाम है लाउड। जी हाँ, अब लीजा सिर्फ ब्लैक पिंक की मेंबर ही नहीं बल्कि एक कंपनी की ओनर भी बन गई है और अब इसी लेबल के अंदर वो अपना म्यूजिक, अपने गाने और अपना सोलो परफॉर्मेंस कर सकती हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि लीजा ने YG एंटरटेनमेंट के साथ अपना सोलो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराया है, उसकी वजह भी ये ही है। लीजा अब अपनी कंपनी चलाएंगी, इसलिए लीजा अब सिर्फ लीजा ही नहीं बल्कि अब वो लॉयड की सीईओ लीजा है। हाल ही में लीजा ने अपनी कंपनी का अनाउंसमेंट भी सोशल मीडिया पर कर दिया है। यकीन ना हो तो ये देखिए। आन्योंग हास्यो गाइस। पूरे ये कोरियन मूड में आ चुकी है प्रियांशा। खैर हम शो शुरू करते हैं, तो आपने अभी जो हमारी ये रिपोर्ट है वो देखी, तो कैसा लगा आपको लीजा का ये टैटू? टैटू से बढ़िया तो मुझे उसकी कंपनी का नाम लगा है। क्या सुना आपने नाम उसकी कंपनी का? सॉरी मैं भूल गई, क्या था? लाउड। लाउड, यस, लाउड विद डबल एल। यस एग्जैक्टली। तो ये कितना अच्छा तरीका है ना, तुमने देखा कितना अच्छा तरीका है अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, अपनी कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने का। मतलब अब तक ये था कि ठीक है लीजा सोलो जा रही थी बट इतनी जल्दी अपनी कंपनी बना लेगी ये हमने नहीं सोचा था, और वो भी टैटू बना के उसने ये डिस्क्लोज किया। आई मीन वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पर आपको पता है कि लीजा ने इस इवेंट से पहले ही एक बार इस टैटू का फोटो भी डाला था और उसी समय नेटिजंस को लगा कि हो ना हो ये लीजा की कंपनी का ही नाम है। मतलब उन्होंने गेस कर लिया था, पीपल आर वेरी स्मार्ट। एक्चुअली मैंने ये जब न्यूज़ किसी वेबसाइट पे देखी तो देखा था मैंने कि लीजा ने कुछ एक फोटो डाली है जिसमें सिर्फ एक टैटू दिख रहा है, बट मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली उसकी कंपनी का नाम है। खैर लीजा के साथ जो आदमी है, आई मीन उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो ऐसी पता नहीं कितनी हजार कंपनियां उसके लिए खड़ी कर सकता है। ये तो बस एक बहुत ही छोटी सी बात है। क्यों, कौन? फ्रेडरिक। फ्रेडरिक हो सकता है, बट यार मुझे लगता है मतलब आइडिया तो लीजा का ही होगा ना। ऑफ कोर्स लीजा का ही आइडिया है, और क्या मतलब। एक्चुअली वो बहुत पहले से ये प्लान कर रही थी क्योंकि उसे YG एंटरटेनमेंट के साथ अब सोलो परफॉर्म नहीं करना था। हाँ ब्लैकपिंक के साथ ग्रुप में परफॉर्म करना चाहती थी लेकिन अब वो उस बॉन्ड में बनना नहीं चाहती है। ओके यार लीजा से याद आया कि वो ब्लैकपिंक की जो रोज़ है उसकी सिक्योरिटी को लेकर आजकल बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को लेकर। क्यों, ऐसा क्यों? अरे यार मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अजीब चीज़ हुई है। अभी जब रिसेंटली ऑस्कर के बाद जब ये वापस लौटी है कोरिया, तो उस टाइम पे कुछ तो हुआ था। वो क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट क्विज, यस, उसका जवाब सुनते हैं। यस yes. तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि प्लीज को कोरियन में क्या बोलते हैं, और आंसर सही जवाब है जय बाल। ओके गाइस, क्या बोलते हैं? जय बाल। जय बाल और जय बाल? जय बाल, जय बाल। अच्छा क्विज तो हो गई, पर मुझे ना अब टेंशन हो रही है। अब जल्दी से बताओ कि आखिर क्या हुआ, क्या है रोज के साथ, कुछ तो बता दो।
मैंने सुना है कि उसकी सिक्योरिटी को लेकर, एयरपोर्ट पे उसकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, जिसको लेकर एक वीडियो है जो वायरल हुआ है। कुछ ऐसा हुआ था कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसके पीछे दो अननोन लोग चलने लगे, और फिर क्या हुआ ये अगर मैं सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप क्या देखेंगे, ये देखो। पहले पेरिस फैशन वीक, फिर डियोर का इवेंट, फिर आफ्टर पार्टी, और उसके बाद ऑस्कर। इतना सारा ट्रैवल करने के बाद अब जाकर रोज कोरिया वापस लौटी है। लेकिन एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ कि नेटिजन को छोड़िए, उनकी सिक्योरिटी की टीम तक के कान खड़े हो गए। कोरिया लौटते ही इंचियोन एयरपोर्ट पर रोज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बाहर निकलते ही एयरपोर्ट से दो लोग रोज के साथ चलने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंचियोन एयरपोर्ट काफी बिजी रहता है, ऐसे में फैंस की भीड़ से रोज को बचाने के लिए रोज को प्रोटेक्टेड वे में बाहर निकालने का काम किया जा रहा था। जब रोज बाहर निकली तो उनके साथ दो लोग और बाहर निकले जो रोज के ठीक पीछे थे। पहले तो लगा कि शायद ये दोनों रोज के स्टाफ मेंबर्स हैं, लेकिन शॉक तब लगा जब भीड़ के पास पहुंचते ही पीछे चल रहे दोनों लोगों ने अपना सूटकेस बीच में छोड़कर रोज की फोटो लेने के लिए उनके पीछे भागने लगे। They were even spotted when Rose was outside as they had grabbed their suitcases and ran again. The incident captured in camera went viral, which caused concerns among netizens. In particular, netizens worried about Rose's security because the two came from inside the airport. हालांकि दोनों ने रोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सोचिए अगर ये फैंस ना होते तो, मान लीजिए ये वाकई रोज को नुकसान पहुंचाने के लिए आए होते तो, ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। गलत तो हुआ है बॉस, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया ना। हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, और जब तक रोज सेफ है तब तक तो सब कुछ ठीक है। आई मीन सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी तो ये सब चीजें चलती रहती है। हांसो ही को जानती हो आप? हांसो ही, अरे वो जंगकुक के सोलो एल्बम 7 में दिखी थी, याद है? 7 में उसकी जो हीरोइन बनी थी वो एक और माय नेम में भी थी क्या शायद, माय नेम पता नहीं मुझे याद नहीं, सॉरी गाइस मुझे याद नहीं हो किस फिल्म में थी, बट आई थिंक वो ग्योन योंग क्रीचर, एग्जैक्टली उसमें भी थी, उसकी हीरोइन थी। पर हुआ क्या उसके साथ, क्यों इतनी हाईलाइट में, आई मीन इतनी हेडलाइंस में क्यों है वो? अरे हुआ कुछ नहीं है, हांसो ही और रीप्ले 1988 के रू जुन ग्योल की डेटिंग की न्यूज इंटरनेट पर आई है, मतलब छाई हुई है आजकल, आपने सुना नहीं क्या? मैंने सुना, मतलब तुम ऐसा बता रही थी मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। इनकी डेटिंग के बारे में तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे मीडिया में कवर किया गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आई गई हैं, पर कुछ तो लोचा हुआ है। पता है तुमको क्या हुआ है? क्या हुआ है? हवाई गए थे दोनों, और हवाई में क्या हुआ वो ये देखो। हान सोही और रू जुन योल, यंग, चार्मिंग और अट्रैक्टिव, लेकिन आजकल दोनों की स्क्रूटनी चल रही है, वजह है डेटिंग। जी हाँ, डेटिंग। दरअसल इन दिनों हान सोही हवाई में एक पर्डोनल वेकेशन पर है, और रू जुन योल भी हवाई में पर्सनल फोटोग्राफी के काम को लेकर पहुंच गए हैं। ऐसे में किसी ने दोनों की फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी। A user claimed to have spotted the two actors displaying affection towards each other at a hotel pool in Hawaii, seemingly unconcerned about public perception. ये फोटोज तो डाल दी, लेकिन इसके बाद ही स्पेकुलेशन लगाए जाने लगे कि शायद दोनों का अफेयर चल रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों की एजेंसीज को बीच में कूदना पड़ा। रू जुन योल की एजेंसी ने कहा है कि It is our actor's personal vacation for his photography work. We ask that everyone respect his privacy. We will not respond to the eyewitness reports as it is his personal life. Rio John Yol's agency, CJS Studio. वहीं हान सोही की एजेंसी ने भी क्लैरिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि We can confirm that Han Sohee is on her first personal vacation since her debut with her friends. Other than that, it is our actress's private life, so we ask for your understanding. Han Sohee's agency, 980 Entertainment. Well, किसी ने सच ही कहा है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तभी तो एक ही वक्त पर एक ही शहर में दोनों क्या कर रहे हैं?
ऐसा भी नहीं कि दोनों का साथ में कोई शूट है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। भाई हमें तो लगता है कि हान सो ही करीना वाले इंसिडेंट के बाद काफी डर गई है, इसलिए डेटिंग को लेकर खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। यार ये करीना वाला इंसिडेंस इतना डराने वाला था कि जैसा करीना के साथ हुआ मुझे लगता है वैसा किसी के भी साथ ना हो। क्यों, क्या कहती हो? बिल्कुल, और आई थिंक शायद यही वजह है कि हांसो ही अपना रिलेशनशिप खुलकर किसी को बता ही नहीं रही थी, है ना? हो सकता, मुझे भी लगता है यही वजह है, क्योंकि डेटिंग के लिए तो इतना ज़्यादा सोल में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, कि अब तो डेटिंग के नाम से ही लोगों को डर लगने लगता है। वैसे सही है दोनों के लिए, डेटिंग दोनों ने जो है अपनी डेटिंग के लिए हवाई को चुना है, क्योंकि सोल में अगर दोनों डेटिंग करते हो तो कब के पकड़े जाते हो, फिर ये सब बवाल शुरू हो जाता। और वैसे भी जब अगर तुम हांसो ही से मिलोगी और वो अपनी डेटिंग की खबरें तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, जब भी बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स गाइस। अरे फ्रेंड्स से मुझे याद आया, आर वी फ्रेंड्स को कोरियन में क्या बोलते हैं बताओ? आर वी फ्रेंड्स को कोरियन में, वेल इससे याद आया कि हमारी के पाठशाला का जो सेगमेंट है, क्यों ना हम यही सवाल ले लें उसमें, और उसमें जो हम नया शब्द सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं, सिखा देते हैं लोगों को कि आर वी फ्रेंड्स को कोरियन में क्या बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ, आर वी फ्रेंड्स को कोरियन में बोलते हैं उरी चिंगुया। उरी चिंगुया, उरी चिंगुया, उरी चिंगुया, ओके। उरी चिंगुया, ये मैंने आपसे पूछा, आर वी फ्रेंड्स बताइए मुझे, आर वी ये बताएंगे क्या? ऑफकोर्स बताएंगे, अभी हमने इनको नया वर्ड सिखाया है उरी चिंगुया। खैर अभी वक्त है हमारे जाने का, लेकिन एक चीज जो मैं भूल गई वो है मेरा फेवरेट सेक्शन। यस, प्रियांशा का फेवरेट सेक्शन, क्विज टाइम गाइस, क्विज टाइम। तो सवाल इस बार प्रियांशा ही पूछ ले। हाँ, पर क्यों, मैं क्यों पूछूं सवाल? तुमने सीख ली है कोरियन? नहीं मैं नहीं पूछ रही, व्हाई मी? यही है क्विज का हमारा सवाल, कि ये बताइए कि वाई को कोरियन में क्या कहते हैं, और ऑप्शंस, ऑप्शन तीन है हमेशा की तरह। सो गाइस इस बार जो है सवाल प्रियांशा पूछेगी, वाई, मैं क्यों? क्योंकि तुमने कोरियन सीख लिया मेरी तरह। तो चलिए फिर हमारी क्विज में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वाई, जो कि मैंने अभी बोला, वाई को कोरियन में क्या बोलते हैं, और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन वाई वे, वे, सेकेंड इज व्हाट, मोस, एंड थर्ड इज ओदी, दैट्स राइट। तो इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है। प्रियांशा ने काफी अच्छी कोशिश की बोलने की, पर मैं नहीं बोल, धीरे 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 आ जाएगा। इन तीनों में से एक सही जवाब है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर सही जवाब लिख के भेजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अन्योंग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।